किसान भरावो सत श्री अकाल। खेतीबाड़ी के नाल नाल जड़े साढ़े सहायक धंधे है किसानी का एक नौ मास वाला रिश्ता है, जिमें कि जिन्हों विचों प्रमुख एक धंधा है पशु पालन। पशु पालन भी खेतीबाड़ी के नाल जड़ा एक मुख धंधा है, पर जिमें कोई बंदियां नूं बीमारियां लगदियां इस तरह पशुओं के भी अजक सूयां दे विच बहुत दिक्कत आती है। ये ते आपां अज गलबात करांगे। ये एक हर एक बंदे की जिंदगी का तजर्बा है, कोई आपां डाक्टर नहीं जां कोई आपां कोई बहुत ज़्यादा मेडिसन बारे नहीं जानते, पर हर एक बंदे का कोई ना कोई जिंदगी तजर्बा हुंदा। आपां भी पशु रखे है तो एक तजर्बा जिहड़े पशु का सूया वीर दे ते गल करांगे। जिन्हें भी किसान भरा वीडियो वेख रहे ने साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लैण ते वीडियो नूं अंत तक जरूर वेखो ता जो सारी जानकारी पता चल सके। जिहड़ी इह समस्या है खास करके पहलण पशुआं दे विच ज़्यादा आउंदी है, भलां पहलण वैड़ा है ते जां पहलण झोटियां। सो आपां इहदे ते अज सारी विस्तार नाल गल करांगे। इहदे विच जिहड़ी इह दवाई है पशु दा सूआ वी नहीं ओरदा ते नाल नाल जेर दी जिहड़ी 100% गरंटी होगी, पशु दी पूरी जेर दवाई देण तों बाद सिद्धी डिगूगी। तो जे हुण आपां गल करिए डाक्टर की, जे नॉर्मल केस भी जे अपना पशु नूं सवाईए वीर जी तो 500-400 की गल है, तो जे जेर अड़क जाए तो 1000-1500 तक गल पहुँच जाती है, तो पशु का जिहड़ा सारा सूआ है वह खराब हो जाता। पशु पालन के उत्ते बहुत ज़्यादा मेहनत हुंदी है, बंदा 9-10 महीनों का समा जिहड़ा आपां बड़ा औखा टपाउने हैं, तो इस तरह जो पशु खराब हो जाता है तो मेहनत के उत्ते पानी सारी तो फिर जाता है। सो आप सारी ये बारे डिटेल गल करांगे। 100% जो इलाज है जो बहुत सस्ता इलाज है, बिल्कुल गरंटी नाल दावा करते हैं कि कदे भी पशु का सूआ नहीं उरूगा, तो ना ही जेर है जी जेर अटकूगी, डॉक्टर सद्दन की लोड़ नहीं, पशु अपने आप सूगा। मैं थोड़ी जानकारी लिए दस देव कि यह किसी भी कंपनी की जां कोई मशहूरी जां सुधार वास्ते बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ अपना जिंदगी का एक तजर्बा है। जिहड़ी ये दवाई है ये हर एक मेडिकल दे उत्ते उपलब्ध है, तो आप भी दस दिए जिहड़ा इहदा रेट है लगभग 350-400 रुपया इहदा रेट है एक डब्बे का, तो हर थां दे उत्ते मौजूद है। कोई 50 रुपये का फर्क जरूर पै सकता है, पर ज़्यादा नहीं, लगभग 350 की दवाई है। सो वीडियो नूं देखो, आपां तुहानूं पूरी जानकारी दिंदे हां। ये जिहड़ा डब्बा है इस डब्बे दे विच 20 पुड़ियां है, 50 ग्राम की यह पुड़ी है जी। इहदा नाम है दवाई का मैटाबोलिट मिक्स। मैं इहदा सही जिहड़ा सारा अखरवाई डिटेल दे विच डिक्रिप्शन दे विच आपां वीडियो दे डिक्रिप्शन दे विच तुहानूं नाम दस देंगे लिख के। तो 50 ग्राम की पुड़ी है, पुड़ी नूं जो आपां खोलांगे इहदे विचों पीले रंग की दवाई निकल। हर रोज़ की आपां एक पुड़ी, हर रोज़ की एक पुड़ी, भला सुबह भला शाम को, कोई यदा पशु का खाली पेट नहीं किसी टाइम मर्जी दे सकते हैं। भला तो तुम अद्धी पुड़ी सवेरे दे दो, अद्धी पुड़ी शाम को दे दो। हर रोज़ की आप एक पुड़ी है पशु को जो आप रिझा दाना खवाने हैं उस दे विच आपां जानवर नूं देनी है, भला गां है भला मझ है। पशु इस नूं आसानी दे नाल खा जांदा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गंदी हवा जां इहदे चों स्मैल नहीं आउंदी गी। रिझे दाने च पा के पशु दे मूहरे सीधा रुखा धर दिओ, उहनां किलो 1.5 किलो दाने विच चंगी तरह मिला के रला के धर दिओ, पशु इहनूं आसानी दे नाल खा जांदा है। इस दा जिहड़ा मेन कारण है पशु इहदे नाल लेवा वी लाऊगा, हवाना बनाऊगा, ताकतवर दवाई है। 3 फायदे करदी है। पहला सब तो वड्डा फायदा इहदा इह है कि पशु नूं असल दे विच खुराकी तौर ते हवाने दे तौर ते दित्ती जांदी है। दूजी गल करिए तां पशु दा सूआ नहीं वीरदा। तीजी जिहड़ी सब तो वड्डी गल इह गरंटी नाल है पशु दी जेर नहीं अड़कूगी, लिख के दिंदे असीं। आपां किसी भी तरह के पशु नूं गां नूं मझ नूं दे सकदे हां। वैसे पहलण पशुआं च इह समस्या ज़्यादा आउंदी है, पर आपां सवांद पशुआं नूं भी दे सकदे हां। इह आपां इक पुड़ी रोज़ दी देनी है, ते जिहड़ा इहदा मेन गल है कि इस डब्बे दे विच 20 पुड़ियां है, एक पुड़ी आपां रोज़ दी देनी है। तो आपां पशु नूं सूण तो एक महीना पहला यह दवाई जिहड़ी शुरू कर देनी, जिहड़ी 20 दिनां च पशु दे 10 दिन जदों सूण दे विच रह जाण ते दवाई जिहड़ा ट्रीटमेंट आ पूरा हो जाए। 20 पुड़ियां आपां 20 दिनां दे विच दे देनी है, रोज़ दी एक पुड़ी ते सूण तों 20 सही एक नेट एक महीना पहला देनी है। सो वीरो, जे थोड़े कोल वी इस तरह का कोई सुझाव जां जानकारी है साडे नाल सांझी जरूर करो। वीडियो जे चंगी लगी तां लाइक शेयर करो, जो हर एक वीर तक ये जानकारी पहुँच सके, किसी का फायदा हो जाए। धन्यवाद, मेहरबानी।